दीजिए एबी चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, इससे न्यू वीडियो आपके पास सबसे। और बहन जी कैसी हो तुम? ठीक हो? हम ठीक है, आप बताओ सब बढ़िया चल रहा है आपका? मेहता जी कहाँ है? मेहता जी को बुलाओ ना। अरे बहुत दिन से मिले नहीं उनसे। हेलो अजीत, सुनते हो? कहाँ हो? अरे वो गुप्ता जी आए हैं बड़ी पूछ वाले। अरे मुझे जल्दी, मुझे डर लगती उनसे यार, तुम जल्दी आओ यार। हाँ हाँ, अरे घूर घूर के देख रहे हो। अरे घूंघट भी डाला सिर में, जल्दी जल्दी आओ। अरे अभी आ रहे। और मेहता जी क्या हाल है? बढ़िया। कुछ लोग चाय ले लो। भाई साहब नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, घर से खा के आया हूँ। हाँ बस एक लिटिल कॉफी मिल जाए तो बात बन जाए। चाय वाय लो उनको, कुछ लोग चाय वाय ले लो। दूध कहाँ है पापा? हाँ दूध वाला आया, भी दूध वाला नहीं आया पापा, दूध वाला नहीं। अरे यार वो आजकल, हाँ हाँ नहीं आ रहा, वो आजकल दूध वाला आ ही नहीं रहा है। अरे आजकल ऐसे हो रहा है, वो आता है कभी आता कभी नहीं आता, मेरे को तो पता भी नहीं ना दूध है नहीं है। भाई साहब तुम्हें न्यूज तो मिल गई होगी। अरे नाम लिख तुम्हें नू, अरे नू कह रही शर्मा जी की लोडिया भाग गई। क्या उसकी भाग गई वो? अरे सच्ची में? तुम तो सोसाइटी में तुम्हें पता ही ना। अरे भाग गई शर्मा जी की लोडिया। क्या भाई साहब, रुको, हमारी बिल्डिंग वाली वो भाग गई। ओ तो लगती थी ऐसी लड़की, तो बहुत चीखी लगती थी। अरे मैं तो नू कह रहा हूँ, मेरे को तो पहले साथ था उसपे। अरे सब्जी बोला भाई साहब, अरे सब्जी वाले के साथ चक्कर चल रहे उसके। अच्छा अंकल आपको कैसे पता वो सब्जी लेकर भाग गई? बस बातें बनाने आता हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ भाई साहब, सीधी लड़की थी वो। क्या बात कर रहे हो? हमने तो आते तो सीधे देखा, हमने साफ बोले, हमने किसी को ऐसे उल्टे काम करते देखे नहीं, तो बोलते बोलते नहीं देखा। अरे भाई साहब मैं सब्जी वाले के गिर गया। सब्जी वाला बोल गया 20 रुपए का आलू, 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो। वहां से शर्मा जी की लूटी आती है, बोलती आलू चलिए 10 रुपए किलो वाले, 10 रुपए वाला निकाल देते हमको बना दिया। आजकल वो 3-4 दिन से ऑनलाइन भी नहीं आ रही, हम तो सोच रहे लड़की के पेपर चल रहे, लड़की तो भाग गई। Oh my God। अरे भाई साहब आंखों में काजल, अरे आंखों में काजल, होटल में लिपस्टिक, आंखों में काजल, होटल में लिपस्टिक, उसकी मम्मी बिल्कुल लिपस्टिक, लड़की 1-2 दिन स्ट्रिक, भाग गई भाग गई। आजकल की बच्ची को बिल्कुल भरोसा नहीं। मैं तो अपनी सिमी को समझा के रखती हूँ, बेटा ध्यान से स्कूल जाओ, ध्यान से आओ बेटा, मोबाइल में कम लोगो बेटा, ऐसा मत करो बेटा, समझाना पड़ता ना, आगे की बच्चे समझते ना है। बेबी मेरा है, मेरा बेबी है, मेरा सोना, हमारे मेरा नहीं रहना, बाद में रोना धोना। अरे आप ना मिलने वाली यू, सारे सबूत मिटा के भाग गई हो। अरे अरे भाई साहब, अरे एक दिन तो फेसबुक में टैग कर दिया, माय लवली सोना आई डेंट वांट यू खोना, मैंने भी कमेंट कर दिया शर्मा जी ध्यान दे लो लड़की पे, बाद में ना पड़े रुकना। देखो हो गया वो तो, हम भाग गया। हाँ हाँ, अरे 3 महीने पहले स्टेटस में ओपन रिलेशनशिप विद दूध वाला, ओपन रिलेशनशिप विद सब्जी वाला। अरे वो सब्जी वाला है, दूध वाला भी पता भी तो नहीं है कौन है सब्जी वाला दूध वाला, तो पता चलेगा कल पता चलेगा। वैसे दूध वाला भी नहीं आ रहा, 2 दिन से सब्जी वाला भी नहीं आ रहा, देखते हैं मेरा भी। कोई ना दिखता सीधा सीधा सीधा। अरे तुम्हारी लड़की ना लाग रही सीधी मम्मी, यार ये उनको क्या बोल रहे हैं, लड़की बिगड़ रही है यार। यार तभी आते हैं अंकल, ये आए हमारी लड़की तो इतनी सीधी है, रोज सुबह उठ के बर्तन में सबको पहले गुड मॉर्निंग करती है, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मामा, तब जाके वो पता खाना बनाती है, फिर खाना खाती है। अगला कुछ बोलो आजकल कॉलेज कभी शादी कर देनी चाहिए। भाई साहब मैं तो बोलता हूँ जैसे सिमी का कॉलेज कंप्लीट होता है करा दो उसकी शादी, भरोसा नहीं है आजकल के बच्चों का। भाग गए दूध वाले के साथ, भाग गए तो समझा करो। हाँ वो कहते नहीं है वो डायलॉग है, जब दिला घड़ी पे परी क्या चीज है, परी क्या चीज है, दूध वाला का चीज है। तुम तो समझदार हो शर्मा जी, समझते ना तो आज ये हाल देखनी पड़ती। महाराज जी तुम समझ जाओ यार, मुझे तो अपनी टेंशन हो रही यार, यो भी लगे रहती है रात भर फोन में। अरे कुछ दूध नहीं चाहोगे तो यार हम तो कहीं के नहीं रहे। लड़की पे भी ध्यान दे लेना, मोबाइल में लगे रहते हर टाइम काम को भी। मैं तुम्हारी बात बता रहा हूँ किसी और को। अरे तुम ही तो हमारी वाट लगा दोगे बगल बगल में जा जाके। देखो हम तो बताने का ना, हम तो समाज सेवा करते हैं, समाज सेवी है हम।
देख बेटी साफ बात है, अब बाबू की इज्जत कर लियो अपने, समझी? भाग मत जाओ दूध वाले के साथ, हम शादी करवा देंगे दूध वाले के साथ तेरी। बेटी ये तेरे पापा को आग लगा रहे, देख ले मोबाइल वोबाइल ना बंद हो जाए तेरा, देख ले। अरे भगवान इस पे ध्यान देना, ध्यान इस पे, रोटी सब्जी पे कम ध्यान देना, रोटी कम फूलेगी तो चलेगा, मुंह कम फुलाओ लड़की पे ध्यान दो। अरे बेटा मैं तुम्हें बोल रहे, अरे भाई साहब तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूं ना अपनी सिमी के लिए लड़का मैं लेकर आऊंगा, तुम टेंशन मत लो, ऐसा लड़का लाऊंगा, ऐसा लड़का लाऊंगा, ऐसा लड़का लाऊंगा, ऐसा लड़का लाऊंगा, स्मार्ट सा लड़का लाऊंगा। अरे रहने दो, तुम रहने दो यार, तुम रहने दो, अपनी लड़की रिश्ता को ढूंढ लेगा। पिछले बार देखा ना वो बिल्डिंग वाले वो नीचे से रहते हैं, कौन है यार वो? अरे वही वो स्कूटर वाले, उनकी लड़की की तुमने शादी करवाई थी, 3 महीने नहीं हुआ तलाक होने में, 3 महीने। अरे ऐसा सस्ता ना कराना हमें, हाँ तुमने बोल दिया लड़का सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में है, ये तो बताते थे लड़का करता क्या है, नगर पालिका में घटा सब करता लड़का, सरकारी नौकरी में शादी करवा दी। अरे यार भाई साहब तो चलता है, दाल में पत्थर भी चलते हैं छोटे छोटे, तो तलाक नहीं होगा तो क्या होगा, कल बोल गया थोड़ा शादी करवाने के लिए, क्लाइंट था मेरा, क्लाइंट होता होता है, दिल के अरमा हाथ में बह गए, 3 महीने में शादी से तलाक है गए, तुम्हें फिर भी मजा नहीं आ रहा, रहन दो भैया तुम रहन दो। वो तो उनकी आपसी लड़ाई थी, अरे आपस में लड़ाई हुई उनकी, पति ने बोल दिया पत्नी से रोटी तुम्हारी कम फूलती है उससे तुम्हारा मुंह फूलता है, बस इसी बात को हो गया तलाक, तलाक 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 हो गया। अब इसमें हमारी की गलती होता, रोटी बनाए उसकी वाइफ, रोटी खाए वो, बीजे बीज जाए हम। भाई साहब आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ है? अरे बहन जी तुम टेंशन मत लो, अपनी सिमी के लिए मैंने लड़का देख रखा है, इंजीनियर है, इंजीनियर हाँ सिविल से, सिविल से, अमन नाम है अमन उसका, टेंशन मत दो हम लाएंगे, टेंशन मत दो। ना 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 भाई साहब रहने दो भैया, भाई साहब रहने दो, इंजीनियर का रिश्ता मत लाना, इंजीनियर की तो ये हालत है, एक इंजीनियर सिविल से करके ये देखो ये यूट्यूब में वीडियो बना रहा है देख लो। अरे इंजीनियर से शादी नहीं करनी, बिल्कुल नहीं प्लीज। देखो अंकल रिश्ता लाओगे भी तो सुन लो, लड़का होना चाहिए सीधा, स्मार्ट तो मेरा मोबाइल भी है, ऐसा देखा भी ना हुआ तुमने, तुम्हारी सिमी ने फेसबुक में ढूंढा हुआ तब से ढूंढते होगी, क्यूट बॉय स्मार्टी बॉय, ऐसे लड़का लाऊंगा मैं। हाँ हाँ हमारी सिमी तो खाना ही बना देती है, अरे वो आजकल गैस खत्म है ना। अरे सुन लो अंकल जी रिश्ता ऐसा होना चाहिए, लड़का सुबह उठ के खाना बनाएगा, सब्जी बनाएगा, रोटी बनाएगा, झाड़ू मारेगा, पोछा मारेगा, शाम घर आएगा खाना बनाएगा, साफ सी बात है, और हफ्ते में 2 दिन वो घुमाने ले आएगा, ठीक है, और संडे के दिन कपड़े धोएगा सारे, ठीक है। चलो भी चलो शर्मा जी, मैं जाता हूँ फिर, ठीक है, चलो मिलते फिर बाद में, रिश्ता लिखाऊंगा लड़की के लिए, शाम तक रुको। अरे नहीं 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 यार, अरे नहीं नहीं 2-3 दिन जाना है अभी, अरे गैस खत्म है तो खाना बना दी थी, पकौड़े बना दी पकौड़े आपके लिए, खबर तो देनी है शर्मा जी की, बात कोई चल रहा है ना हमारे साथ भी, हमारी खबर भी देते हैं, ने कहा उसकी नौकरी छूट गई पूरे पुराने में डंडोरा पीटी, आप देखो लड़की भाग गई है, देखो तो डंडोरा पीटेंगे हम। अरे यार तुम ऐसे क्यों कर दो यार, उनके वहां ऐसी प्रॉपर टेंशन हो रही है, वो भाग रही की लड़की, और तुम बताओ वहां सबको बताओगे बजा जाके, है क्योंकि बात ठहरी अच्छी बात ठहरी है कोई, तुम आज बताओ सबको डंडोरा पीट रहो, तो कोई मारेगा पकड़ेगी इस दिन तुम्हें, हाँ चलो चलो ठीक है ठीक है। अरे मम्मी मम्मी तो अंकल से बोले पैसे से नहीं लूंगी मैं, नहीं नहीं अंकल पैसे दे रहे, अरे अंकल लेने तो पैसे नहीं दिए, रहने दो रहने दो भाई साहब, अरे रहने दो भाई साहब पैसे वैसे मत दो, पैसे को देने की चीज होती है, अरे रहने दो भाई, अरे अरे भाई साहब रहने दो, अरे भाई साहब पैसे से क्यों देते हो बच्चों को, बिगड़ जाएंगे ये, अरे मत दो पैसे, रहने दो, अरे भाई साहब तुमने पिलाई नहीं पैसे दे दो, तुमने पिलाई नहीं पैसे दे दो, पैसे अरे रहने दो भाई साहब रहने दो रहने दो, नहीं नहीं तुम मोबाइल निकाल लो। अरे ये तो पैसे भी लपेटेंगे यार, लो ले लो। भाई साहब आजकल अच्छे रिश्ते मिलते कहाँ है, हमारी लड़की तो इतनी सीधी है, इतनी सीधी है, इतनी सीधी है, रोज सुबह उठ के बर्तन में सबको पहले गुड मॉर्निंग करती है, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मामा, तब जाके वो पता खाना बनाती है, फिर खाना खाती है, और तो और भाई साहब वो इतनी सीधी है ना, वो तो कपड़े पहन के भी नहाती है, सूट पहन के आती है, सूट पहन के नहाती है वो।